पिछले 2-3 सालों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आग लगी हुई है। ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का चार्ट है। एक साल का रिटर्न 60%, मतलब पागलपन। 5 साल का भी देखेंगे तो 34%, मतलब पागलपन। ये बाय द वे सस्टेनेबल नहीं है और ना ही ये निपॉन इंडिया का एंडोर्समेंट है एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन इसी के चलते एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है। काफी फंड्स ने, स्मॉल कैप फंड्स ने अपनी नई इन्वेस्टमेंट्स रोक दी हैं। हमें नहीं चाहिए पैसा। तो ये कहां की समझदारी है? मार्केट में आग लगी हुई है, आप पैसा लेने से मना कर रहे हैं, चल क्या रहा है? इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज होती क्या है। स्मॉल कैप कंपनीज सेबी के अनुसार या तो मार्केट कैपिटलाइजेशन या रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है। एंड मोटा मोटा अगर किसी कंपनी की 5,000 करोड़ या उससे कम की वैल्यू है तो वो एक स्मॉल कैप कंपनी अनाउंस करी जाती है या क्लासिफाई करी जाती है। सेबी का एक और गाइडेंस ये है कि टॉप 100 कंपनीज जो होंगी भारत की वो है लार्ज कैप कंपनीज, फिर 101 से 250 तक मिड कैप कंपनीज है और 251 से बियॉन्ड जो भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज है। मतलब भारत की पहली 250 कंपनीज को छोड़ के बाकी हर एक कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे वो एक स्मॉल कैप कंपनी करार दी जाएगी। लेकिन मोटा मोटा इसकी परिभाषा जो है वो उसके नाम में ही है कि ये छोटे साइज की कंपनीज है। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? वो म्यूचुअल फंड जिनका कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इन छोटी साइज कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज में जा रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल साइज कंपनीज में जा रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? निपॉन इंडिया को देखिए। निपॉन इंडिया एक 50,000 करोड़ का फंड है, मतलब हम सब ने निपॉन इंडिया को पैसे दे दे के बाय द वे ये प्लीज एंडोर्समेंट नहीं है निपॉन इंडिया का, मैं सिर्फ इसके लिए चूज कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा फंड है स्मॉल कैप में एंड परफॉर्मेंस भी काफी अलग लेवल पे रही है। नॉट एन एंडोर्समेंट, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, मैं निपॉन इंडिया का कस्टमर हूं। डिस्क्लोजर, डिस्क्लेमर, प्लीज अपना होमवर्क करके अपने डिसीजन लीजिएगा। ये सब चीजें मुझे लॉयर ने बोलने के लिए नहीं बोली थी। तो 50,000 करोड़ का फंड, 50,000 करोड़ रुपए हम सब ने निपॉन इंडिया को SIP के थ्रू, लमसम के थ्रू दिए हुए कि जाओ ब्रो स्मॉल कैप कंपनियों में बिंदास इन्वेस्ट करो। कर रहे हैं एंड पागलों जैसा ग्रोथ भी आ रहा है। लेकिन व्हेन यू लुक एट व्हाट रियली हैपेंस एट द कोर ऑफ इट, लेट्स ट्राई एंड सी। तो ये है टिकर टेप, जो कि अगेन एक एंडोर्समेंट प्रोडक्ट नहीं है लेकिन मैं टिकर टेप को काफी यूज करता हूँ। बेसिकली स्क्रीनर जैसा एक ऐप है, बहुत बढ़िया। इसमें आप देखेंगे कि ये 6 month रिटर्न पिछले 6 महीने के स्टॉक प्राइस रिटर्न के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कुछ पागलपन वाले स्टॉक्स पिक करते हैं, 1,890% का रिटर्न, मतलब 6 महीने में ये स्टॉक 1,890% बढ़ चुका है। नाम है झंडे वाला फूड, मैंने इस कंपनी का नाम पहले कभी नहीं सुना है। मार्केट कैप है करीब 190 करोड़। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एक 50,000 करोड़ का फंड, जो कि सिर्फ एक ही फंड है, ऐसे तो बहुत सारे और फंड भी हैं, तो जुड़ जुड़ के पता नहीं कितने करोड़ों का फंड, उसको अगर इस कंपनी में पैसे डालें क्योंकि स्टॉक बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है, तो वो जब ये पैसे डालेंगे कंपनी का साइज ही 190 करोड़ है। मतलब कितने डाल दोगे तुम इसमें? तो अगर 10 करोड़ भी डालोगे ना, जो कि 50,000 करोड़ में तो कुछ भी नहीं है, बूंद है, पूरी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेंगे तो फिर तो फूंक है। वो 10 करोड़ इस कंपनी के 5% वैल्यू के हिसाब से है। 5% वैल्यू इस कंपनी का सिर्फ 10 करोड़ है। तो अगर कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर पागल हो गया, मतलब यार ये कंपनी पिछले 6 महीने में 1,890% रिटर्न दे चुकी है, 100 करोड़ डाल दो इसके अंदर, तो आप कंपनी का आधा वैल्यू सिर्फ इसमें ही डाल देंगे। अब ये कंपनी में पैसे नहीं जाते क्योंकि कंपनी को तो पैसे मिल चुके हैं, ये शेयर्स जो हैं ये स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहे हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहे हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं इसको। अब इसके चलते स्टॉक्स तो इतने ही हैं, स्टॉक की वैल्यू भी कितने की है, 180 रुपए की करीब, 180 रुपए का स्टॉक प्राइस है, 190 करोड़ उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जब 100 करोड़ इन स्टॉक्स का पीछा कर रहे होंगे तो नेचुरली स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन कंपनी ने
कुछ उखाड़ा नहीं है इस प्राइस को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं हुआ है कि रेवेन्यू बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है, मार्केट शेयर बढ़ गया है, मैनेजमेंट इंप्रूव हो गई है, कुछ कंप्लायंस ज्यादा अच्छे हो गए, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ज्यादा पैसा इनके पीछे भाग रहा है। अब आप बोलेंगे यार ये तो हर कंपनी के साथ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बट लेट्स लुक एट से लार्ज कैप। साइज देखिए इसका, HDFC 11,13,175 करोड़, 11,13,175 करोड़ का मार्केट साइज। तो अगर आप पूरे के पूरे 50,000 करोड़ भी डाल देंगे ना, पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, तब भी थोड़ा सा ये लेगा। दैट्स द डिफरेंस। मिड कैप में आके ऑफकोर्स और ज्यादा हो जाता है। तो ये अब मार्केट कैप देखिए, ये 85,000, करीब 90,000, 80,000, राइट। सो अगेन, आप अगर 100, 200, 300, 500, 1000 करोड़ भी डालते हैं, इट कम्स इन दैट 2-5% रेंज। लेकिन आप अगर एक स्मॉल कैप कंपनी में, जैसे ये झंडे वाला हो गया या ये सीनिक एक्सपोर्ट्स हो गए, मैंने इन सबके नाम कभी नहीं सुने, डायमंड पावर है एक, 5,000 करोड़ है, 980% का 6 महीने का रिटर्न है। अब मुझे नहीं पता कि ये कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिखा हुआ है इसमें, 5,000 करोड़ है। तो इसमें अगर आप 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कंपनी का 20% है, दैट्स अ लॉट। एंड इतने कंपनी की हैसियत या फ्री फ्लोट नहीं होता है टू बेयर दैट। अगर स्टॉक प्राइस इंक्रीज कर गया, देन व्हाट हैपेंस? वैल्यू इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन ही हिल गई। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? कि आप एक कंपनी को सही वैल्यू पे खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस दाम पे वो कंपनी मिल रही है फ्रॉम अ स्टॉक प्राइस परस्पेक्टिव, वो उस कंपनी की सही वैल्यू से कम है। तो कभी ना कभी तो वो सही वैल्यू पे स्टॉक प्राइस आएगा ही, एंड मैं उसकी वेट करके वो प्रॉफिट या गेन्स कमाऊंगा। लेकिन अगर वैल्यू से ही ऊपर स्टॉक प्राइस चला गया है, क्यों? क्योंकि लोग पागलों जैसे उस स्टॉक को डिमांड कर रहे हैं, देन इट इज ओवर वैल्यूड। एंड अगर ओवर वैल्यूड है तो कभी ना कभी तो वो स्टॉक प्राइस गिरेगा, एंड जब वो गिरेगा तब कुछ फटेगा, एंड क्या फटेगा? हम लोगों के पैसे। दैट इज व्हाई सम फंड्स, एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर दैट, हैव सेड नहीं ब्रो, पैसे लेने बंद कर, नए पैसे लेने बंद कर। सो दे हैव स्टॉप्ड लमसम इन्वेस्टमेंट्स। क्या लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी इस पीक पीरियड पे जब इतनी मार्केट ओवर वैल्यूड है? मत करो। तुम तो सिर्फ पिछले 1-2 साल का रिटर्न देख रहे हो ना, तुम्हें तो आगे के 1-2-5-10 साल का रिटर्न बनाना है। इस प्राइस पे शायद नहीं बन पाएगा। यू आर कमिंग इन विद द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। ये गलती मत करिए, हम आपको रोकने वाले। जिनके एग्जिस्टिंग SIPs हैं सिर्फ वो अलाउड हैं, नई SIP भी अलाउ नहीं कर रहे हैं बहुत सारे फंड्स। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिस्पेक्टफुल डिसीजन टू बी मेड फ्रॉम सम फंड्स। अब इससे हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती, क्योंकि हमें तो इन्वेस्ट करना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए करना है। एंड हमें यह भी पता है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है, स्पेशली वेन यू आर यंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप ज्यादा रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न भी देता है, एटलीस्ट हिस्टोरिकली ये देखा गया है। सो हाउ डू यू नाउ स्टार्ट टू सॉल्व थ्रू दिस प्रॉब्लम? कि काफी फंड्स ने नए इन्वेस्टमेंट्स रोक दिए हैं, लेकिन हम तब भी इस सेक्टर या इस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका मुनाफा कमाना चाहते हैं। एंड द वे टू डू दैट इज 3 or 4 अप्रोचेस जो मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं Coinbase Zerodha, अगेन एंडोर्समेंट नहीं है, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को यूज करता हूं, दैट्स अ डिस्क्लेमर। तो अगर मैं कॉइन और Zerodha पे जाऊंगा, म्यूचुअल फंड पे एक्सप्लोर करूंगा, तो मुझे ये इंटरफेस मिलेगा। मैं इक्विटी सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। एंड इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लेक्सी कैप। इंटरेस्टिंग है बड़ा। फ्लेक्सी कैप क्या है? फ्लेक्सी कैप बाय डेफिनेशन सेज कि ये बहुत सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडस्ट्रीज या कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सी कैप। तो ये लार्ज कैप में भी कर सकता है, स्मॉल कैप में भी कर सकता है, मिड कैप में भी कर सकता है, उसका रेशियो भी काफी फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकता है या काफी रेयरली चेंज कर सकता है, जो भी हो। थैंक यू टकार अभी। एंड देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन सी। सो पराग पारिक इज बाय फार द मोस्ट वेल नोन फ्लेक्सी कैप, 64,000 का AUM। AUM को फुल फॉर्म होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, सिंपली कि हम सब लोगों ने कितना पैसा इनको दिया हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड यू विल सी कि इनका भी बहुत कमाल का रिटर्न है। इट्स नॉट एज हाई एज स्मॉल कैप।
सो अगर आपने निपॉन इंडिया देखा होगा 60% एक साल का रिटर्न, यहाँ 38%। तो आप बोलेंगे यार ये तो बहुत कम है, क्यों? क्योंकि रिस्क भी उसके साथ कम है। इट इज इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ कंपनीज, जो वो स्मॉल कैप वाली जो प्रॉब्लम है कि इतना पैसा डाल के उनका स्टॉक प्राइस ही बढ़ जाता है जबकि कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ी है, दैट इज टेकन केयर ऑफ। एंड इफ यू लुक एट अ 5-year पीरियड यू विल सी इट्स स्टिल वेरी इंप्रेसिव। 25% अगर आपको साल का मिल रहा है और 5% तक मिल रहा है, पागलों जैसा रिटर्न है ये। नॉट सस्टेनेबल, बट इफ यू गेट इट फॉर 5 years, इट इज अनबिलीवेबल हाउ वेल दिस वुड वर्क। तो दिस इज ऑफकोर्स वन। फिर आप और सारे देख सकते हैं, ये HDFC कोई भी एंडोर्समेंट नहीं है, कोटक होगा, UTI हो गया, SBI हो गया, सो ऑन एंड सो ऑन, राइट? सो दिस इज ऑप्शन वन। सेकेंड ऑप्शन, आप मल्टी कैप देख सकते हैं। मल्टी कैप क्या होगा? बाय अगेन डेफिनेशन, मल्टीपल कैप फंड्स। तो निपॉन इंडिया का ही एक मल्टी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, एंड यू विल सी कि इसमें 54% ही रिटर्न है। अगर आप 5 साल देखेंगे तो करीब 24% एंड 30,000 crores अंडर AUM। एंड इफ यू सी द काइंड ऑफ कंपनीज दैट इज इन्वेस्टेड इन, ऐसा नहीं है कि सारी वो स्मॉल कैप है। सो HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, रिलायंस, स्टेट बैंक, इनमें रीजनेबल एलोकेशन है। एंड यू कैन सी ऑल ऑफ देम, लाइक द बजाज फिन भी है, टाटा पावर भी है, L&T भी है, NTPC भी है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड इट्स अ नाइस हैप्पी स्प्रेड। लाइक बहुत छोटे 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 less than 1% allocations भी हैं, but it's something, and I would imagine कि इसमें से बहुत सारे फिर small cap होंगे, but the beauty is कि it is less than 1%। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि यार small cap में अभी नहीं डालते हैं, large और mid cap में डालते हैं, and you can then have this। तो मेरा asset का है, SBI का है, Canara का है, Kotak का है, and you'll see, let's look at this। तो 40%, not bad, 1 year, 5 साल का देखते हैं, because that's the true reflection, so 23% के करीब, which is not bad, 35,000 करोड़ का AUM या cash given by investors to invest, तो वो भी सही चल रहा है, and you will see usual suspects again, like, so अभी सिर्फ large cap और mid cap है, so it's very impressive कि सिर्फ large और mid cap में भी it has delivered 23% in the last 5 years, on an average every year, तो HDFC, Axis Bank, blah 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 blah, so ये सब चल रहे हैं, and then you can also look at वैल्यू। अब ये वैल्यू कैप के हिसाब से नहीं होती है, मतलब लार्ज मिड स्मॉल नहीं है, बट इसेंशियली म्यूचुअल फंड ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यार हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें जेन्युइनली वैल्यू दिखती है, तो वी बाइंग इट एट द राइट प्राइस, ट्राइंग टू होल्ड ऑन जब तक वो प्राइस उस पॉइंट तक नहीं पहुंचता जहां वी फील इट्स राइट वैल्यू इज, एंड वो फिर रिटर्न हम एंजॉय करेंगे। तो जैसे ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, सो यू विल सी 40% एक साल का, 5 year is a more important thing, तो 24%, not bad at all again, and you'll see that the kind of companies, तो HDFC, but you'll also have companies that you may not really know of, or at least I don't know of, हाँ, but you'll see like UPL Limited, मुझे नहीं पता, अच्छा ये तो, मैं बोले ये कौन सी कंपनी, 182 days, ये T-bills होते हैं, treasury bills, which is a completely different thing, ये सरकार issue करती है, think of him like fixed deposits, where the government pays a rate of interest, जो लोग इस T-bills को लेते हैं, and you'll see like PBR जैसे भी है, which I believe will be a mid-cap, JM Financial, I have no idea, I could be completely wrong, like Atul Limited, मुझे कोई idea नहीं है कौन है, so on and so forth, right? So this is the value segment। आप ये भी बोल सकते हैं कि यार मेरे पास अभी ना लमसम अमाउंट है, एंड इस लमसम अमाउंट को फिर मैं कैसे डील करूं? My suggestion there will be कि लमसम को आप दो तरीके से डील कर सकते हैं। एक, उस लमसम को दो हिस्सों में तोड़िए, एक 50%, बाकी का 50%। वो 50% आप लमसम इन्वेस्ट करिए इन what I would call a hybrid। अब वो hybrid क्या हो सकता है? Equity में hybrid हो सकता है, मतलब large and mid cap, तो थोड़ा सा reasonably safe, comparatively safe, large and mid cap, या सिर्फ large। So you're not even going large and mid, आप सिर्फ large में कर रहे हैं। तो Nifty 50 index हो सकता है, या जैसे ये ICICI blue chip हो गया, which is a really well-known and well-performing fund। अगर आप देखेंगे कि large cap में भी 40% return दे पाना is really really hard, but 5 years में it will even itself out, तो करीब 19.5% है, as compared to 24, 25 या 30% in mid cap या small cap या flexi caps। तो
20% is still bad, not bad, तो आप ये लमसम एक टाइम का 50% कर सकते हैं और बाकी का जो 50% है उसको आप 12 से 18 हिस्सों में बांटिए एंड स्टार्ट एन SIP फॉर 12 to 18 months. क्यों? क्योंकि उससे आप कॉस्ट एवरेज करेंगे. तो आप जहां भी डालें, अगर आप इक्विटी में डालें, लार्ज मिड कैप में डालें, फ्लेक्सी में डालें, हाइब्रिड में डालें, मल्टी कैप में डालें, ओवर अ 12 टू 18 मंथ पीरियड यू विल इवन योरसेल्फ आउट एंड इट विल बी लेस रिस्की देन पूरे का पूरा पैसा आज ही लमसम में डाल देना क्योंकि मार्केट बहुत ओवरहीटेड है. द अदर थिंग दैट यू कैन डू इज गो फॉर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स. एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट, मतलब फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, एंड इक्विटी विच इज variable rate of return. So let's see some examples. इसी hybrid में aggressive जाने की कोशिश करते हैं. तो SBI equity hybrid fund 68,000 crores invested in that. एक साल का return 25, पांच साल का return 15. What does this do? This gives you a lot more stability. So look at this and let's compare. मैं Nippon का small करने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको देखें. सो यू विल सी कि नीचे वाला जो है SBI वाला, वो लग रहा है कि यार ये तो बड़ा बोरिंग है, मैं को नहीं करना. बट यू विल ऑल्सो सी बहुत फ्लैट है, इन द सेंस ग्रो तो कर रहा है, उसने दिया है रिटर्न 15% पांच साल के लिए हर साल. बट जो ये स्मॉल कैप है ना, ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है. यहाँ नीचे चला गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर आ गया. तो ये ये वाला म्यूचुअल फंड है. एंड देन ऑफ कोर्स इट गोज लाइक क्रेजी, फॉल्स लाइक क्रेजी, गोज अप, फॉल्स अगेन, गोज अप, फॉल्स अगेन, गोज अप, फॉल्स अगेन. बट दिस इज रिलेटिवली फ्लैट. तो अगर आप देखेंगे ना कि ये वाला भी जो पीरियड था, जो हमारा कोविड का पीरियड था, लुक एट हाउ स्मॉल, हाउ शार्पली स्मॉल कैप ड्रॉप्ड, कितनी शार्पली गिरा था. It went from 403 to 258, while in the same period, ye wala went from 276 to 210. So the decline was not as sharp. That is what a hybrid mutual fund will give you. Wo aapko balance karega from debt and stock market ke fluctuation. Now, how does it happen? Agar aap dekhenge niche, it will have a combination of course, companies, but it will also have a fairly high combination of fixed rate of return assets. So, ye again, it is like a government bond, and ye 7.18% guaranteed hai 2033 ka iska maturity period. So, 7.18% aapko har saal milta rahega. It's like an FD, and the same thing will be there. Aap yahan bhi dekhenge, 2053 ka hai. And 7.3% return है, 2037 का है 7.18% return है. And these are very prominent allocations. हाँ, कोई भी mutual fund अगर 2-3% किसी चीज में डाल रहा है, मतलब it's a fairly big commitment. इसी के चलते it is trying to balance. It is still very aggressive. हाँ, तो अगर आपको याद होगा, हमने hybrid में aggressive choose किया था. अगर आप यही चीज conservative choose करेंगे, तो देखेंगे SBI का conservative hybrid fund 14% एक साल का रिटर्न, पांच साल का 11.6. बड़े धीमे से, अच्छे से, FD से बेटर रिटर्न है, बहुत बढ़िया रिटर्न है. एंड इट इज फार लेस रिस्की, तो फार लेस रिस्की एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट. क्यों? सबसे बड़ा एलोकेशन ही देखिए आप, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ UP, उनका ही एक T-bill या गवर्नमेंट बॉन्ड एंड 2036 में मेच्योरिटी 7.38% का, 7.3%, 7.5%. ये स्टेट्स के इशूड फिक्स डिपॉजिट समझ लीजिए आप, वो हैं. एंड दिस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, दिस देन गिव्स यू द स्टेबिलिटी. तो आप देखेंगे कि ये लग तो बहुत पागल बन रहा है, बट इफ यू कंपेयर इट विद से अगेन निपॉन, उसके सामने तो ये गाय लगेगा, गाय. देख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन, दिल की धड़कने एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं लेने का. मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, धरती इधर हिल रही है, उधर उधर कुछ नहीं हो रहा है. आप एकदम शांति से 12% पांच साल कमा रहे हैं. दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू बी अगर आप अपने पैसे को
बहुत कंजर्वेटिवली विद द स्टॉक मार्केट डिप्लॉय करना चाहते हैं. दीज आर द ऑप्शंस व्हेन यू थिंक ऑफ स्मॉल कैप. फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इनको इवेल्युएट करिए. स्मॉल कैप के रिटर्न्स के पीछे मत भागिए क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं. जरूरी नहीं है कि वो फिर से आएंगे. एंड आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई, क्योंकि ये जो बहुत छोटी छोटी साइज कंपनीज हैं, इनको अगर बहुत ज्यादा पैसा चेस करेगा तो वो उसको संभाल नहीं सकते हैं. एंड क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाएंगे, उनका स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा जबकि कंपनी की औकात और हैसियत नहीं बढ़ी है. एंड दैट विल ओवर वैल्यू द कंपनी. किसी ना किसी पॉइंट पे वो बबल फटेगा एंड दैट इज व्हेन द मार्केट विल कम क्रैशिंग डाउन. यू डोंट वॉन्ट टू बी स्टैंडिंग देयर विद योर मनी लार्जली इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप एट दैट पॉइंट. आई होप दिस वॉज यूजफुल. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी एक महीने के अंदर ही 1,00,000 कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली दो किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं. Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.